नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थप्रकाश टीवी पर और मैं हूं आप सभी के साथ अवनी चौधरी। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दर्शकों, आप सभी को ये तो पता ही होगा, इस बार दिवाली 14 नवंबर की है। दिवाली पर इस बार हम किसी भी तरह का कोई भी ट्रेडिशनल या कल्चरल प्रोग्राम नहीं लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं एक ऐसी खास रिपोर्ट जो आपकी हेल्थ से जुड़ी है, आपके जीवन से जुड़ी है, आपकी सांसों से जुड़ी है। हमने ये रिपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स पर तैयार की है। चलिए देखते हैं इस दिवाली क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या ये बदलाव लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे या नहीं। इन सब बातों को जानने के लिए करते हैं कुछ सवाल। चलिए बात करते हैं पहले और बड़े सवाल की। क्या सरकार ने कोरोना की पहली दिवाली होने के कारण आतिशबाजी पर बैन लगाया है, या एनजीटी के द्वारा कही गई बात ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय दिए जाने के बाद क्या जनता इस आदेश का पालन करेगी? पटाखे बैन होने के बाद इन्वायरमेंट पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? इस बार पॉल्यूशन में कितनी गिरावट होगी, ये सब जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। कहा जाता है दिवाली त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। इस दिवाली सरकार के द्वारा पटाखों पर लगाई गई रोक कितना काम करती है, देखते हैं इस दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत को किस तरह से होती है। चलिए आपको बताते हैं कि बीती दिवाली पर साइंटिस्ट की खोज के मुकाबले हर साल दिवाली के अगले दिन पीएम 2.5 की मात्रा के करीब पहुंच जाता है, यानी लगभग 40% तक पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होती है। पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण की एक किस्म है। इसके कण बेहद सूक्ष्म होते हैं जो हवा में बहते हैं। पीएम हवा में कण के साइज को बताता है। ये 24 घंटे में हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर स्थिति खतरनाक मानी जाती है। हवा में मौजूद यही कण हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर खून में घुल मिल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए बताते हैं इस दिवाली पर एयर पोल्यूशन में कितनी गिरावट आएगी, जिसके बारे में हमें बताएंगे चंडीगढ़ मौसम विभाग के विशेषज्ञ सुरेंद्र पाल जी। देखिए, उसमें पोल्यूशन में एयर क्वालिटी में तो काफ़ी उसमें जो है काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि एयर क्वालिटी पिछले साल से काफ़ी बेहतर इस साल है। और अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वही काफ़ी कम है। और इस साल ये भी देखने को मिला है कि जो टेम्परेचर्स हैं उनमें भी कुछ जो है ग्रेजुअल फॉल आना शुरू हो गया। जनरली ये होता है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर इतना जल्दी फॉल नहीं करते हैं, लेकिन इस साल आप देख रहे हैं कि थोड़ा टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें कमी आ रही है। तो डेफिनेटली ये लॉकडाउन हुआ उससे फर्क पड़ा है, क्वालिटी बेटर हुई। जी, जिस तरीके से सरकार ने इस बार पटाखों पर बैन लगाया है तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पटाखे जो हैं बहुत एक तरह से टॉक्सिक छोड़ते हैं, गैसें छोड़ते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि दिवाली के बाद जो एकदम जो है ब्लैंकेट बन जाता है ऊपर। तो ये डेफिनेटली पॉल्यूशन को कम करेगा और बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का कि पटाखों के ऊपर बैन लगाया, और जो है इससे एयर क्वालिटी जो है अगर बेहतर नहीं होगी तो खराब भी नहीं होगी, तो काफी अच्छा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस को लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कोविड-19 और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने इस साल दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगाने का फैसला किया है। पटाखे बैन होने के कारण बस हमारे देश के कुछ पटाखे व्यवसाय को भारी नुकसान भी होगा, लेकिन इस नुकसान के बदले देश की जनता को कितने फायदे होंगे और क्या क्या लाभ होंगे? पटाखों की वजह से देश में होने वाले प्रदूषण का कोरोना मरीजों पर कैसा प्रभाव पड़ सकता था, इन सब सवालों के बारे में हम बात करेंगे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कपिला जी से। मैं डॉक्टर राजीव कपिला, मैं सीनियर आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सेक्टर 28 में, और मैं नोडल ऑफिसर नेशनल आयुष मिशन चंडीगढ़ भी। राजीव जी, हमने आपसे ये पूछना है कि जिस तरह हर दिवाली पर 40% पॉल्यूशन बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग आम जो जनता होती है, आम आदमी होते हैं, उनको क्या क्या नुकसान देखना पड़ता है पॉल्यूशन के कारण? पॉल्यूशन के कारण अपने पब्लिक में एक तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है, एक नॉइस पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, जैसे पोल्यूशन हो जाए उससे सांस की तकलीफ बहुत होती है, और जो सांस के पेशेंट हैं सांस की तकलीफ के, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
इसके अलावा खांसी, जुकाम, उसके बाद स्किन की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम पोल्यूशन के कारण हो जाती हैं। तो इसका कोई कोरोना पर इम्पैक्ट पड़ता है? अगर सरकार पटाखे बैन नहीं करती तो इसका कितना परसेंट प्रभाव पड़ता है कोरोना? देखो, कोरोना के लिए ये जो ये बैन हुआ है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो लंग्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, तो अगर पोल्यूशन भी रहेगा तो लंग्स पे जो जो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा लोगों को, और कोरोना के मरीजों को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए कोरोना में पोल्यूशन का होना को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है कि ये पटाखों को बैन कर दिया गया है, ताकि एयर पोल्यूशन ना हो और जो कोरोना की बीमारी में ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों को। आप सभी ने ये तो सुन ही लिया होगा कि वायु प्रदूषण के कारण मरीजों और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ सकता था। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि इस दिवाली कोरोना काल का मिठाई वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ग्राहक उसी उमंग और भरोसे के साथ मिठाई खरीदेंगे, या फिर इस दिवाली माँ लक्ष्मी दुकानदारों से रहेंगे रुष्ट? आइए इस बारे में बात करते हैं चंडीगढ़ के दुकानदार हरमेल केसरी जी से। मायसेल्फ हरमेल केसरी, सेक्टर 19 के हम यहाँ पे मिठाई के काम पिछले 50 साल से कर रहे हैं। ये कोरोना के चलते हुए जैसे पूरी दुनिया में ही अर्थव्यवस्था नीचे आई है, तो वैसे ही यहाँ पे मिठाई की दुकानों पे या और भी जो बर्तन की दुकानें हैं या पटाखे वाले हैं, सबकी अर्थव्यवस्था नीचे आई है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।